Hey guys, welcome to the Gadget Show and आज चलिए बात कर लेते हैं फिर से कुछ new MIUI के फीचर्स के बारे में। So, आप लोगों को तो पता होगा कि इंडियन MIUI में काफी ज्यादा जो फीचर्स है वो रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं, जो कि चाइनीज MIUI में हमें देखने को मिल जाते हैं। एंड आज के वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे कि कौन से न्यू MIUI के फीचर्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं MIUI में, जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। करेंटली मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा है Xiaomi का जो EU ROM है। बात कर लेकर इस ROM के डिटेल्स के बारे में, तो ये एक Android 10 based ROM है। सिक्योरिटी पैच है 1st November 2020, जो एकदम से तो लेटेस्ट नहीं है क्योंकि दिसंबर का सिक्योरिटी पैच भी ऑलरेडी रोल आउट हो चुका है। यहाँ पे MIUI वर्जन की बात कर ले तो ये है MIUI 12.3 Xiaomi EU, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया। एंड ये एक बीटा वर्जन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 20.12.9 बीटा। So, इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे न्यू फीचर्स के बारे में एंड ऑल्सो कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में जो कि इस वीडियो में आपको न्यू देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने पिछले MIUI के न्यू फीचर्स के वीडियो में उन सभी के बारे में मेंशन किया है। लेकिन मैं आप सभी को ये बस रिमाइंड कराना चाहूंगा कि वो प्रीवियस फीचर्स भी अभी भी हमें इंडियन MIUI में देखने को नहीं मिलते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात कर ले कुछ चेंजेस के बारे में, तो सेटिंग्स में आ जाएंगे एंड बात कर लेंगे यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बारे में। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो हमें इंडियन MIUI में भी देखने को मिलता है, लेकिन कुछ ऑप्शंस में यहाँ पे डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे एंड डिस्प्ले आइटम्स, तो डिस्प्ले आइटम्स पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तीन ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। ऑलवेज का ऑप्शन एंड शेड्यूल्ड का ऑप्शन तो हमें नॉर्मल स्टैंडर्ड MIUI के इंडियन वर्जन में भी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे एक न्यू फीचर जो है ये ऐड हो चुका है इस अपडेट के साथ, वो है कि फॉर 10 seconds आफ्टर टैपिंग। तो ये फीचर मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। ये बेसिकली है कि अब जब भी लॉक बटन को टैप करेंगे तो ये जस्ट 10 seconds तक शो होगा, देन ये हट जाएगा। एंड इससे क्या होगा, आपका बैटरी वो सेव होगा एंड आपका जो डिस्प्ले है वो भी प्रोटेक्टेड रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफ हो चुका है, डबल टैप करने पर फिर से ये आ जाता है। तो ये एक नाइस एडिशन है फीचर्स में और ये आप देख सकते हैं अभी ये रिकमेंडेड हो चुका है। अगर आप ऑलवेज पे ऑन करेंगे तो यहाँ पे नीचे लिखकर आएगा कंज्यूम्स मोर पावर। नेक्स्ट है गाइस, एक काफी ऑब्वियस चेंज हमें देखने को मिल जाता है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था कि MIUI 12 में हमें एक न्यू वॉल्यूम बार देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वैसे ही अभी यहाँ पे हमें एक न्यू पावर मेन्यू भी देखने को मिल जाता है। तो ऊपर करने पर पावर ऑफ, नीचे करने पर रीस्टार्ट, तो ये एकदम से ही न्यू मेन्यू है जो आपको इस अपडेट के साथ देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट अपडेट के बारे में, वो है रिगार्डिंग द कैमरा एप्लीकेशन। तो बेसिकली कैमरा एप्लीकेशन का जो लेआउट है वो पूरी तरह से सेम है, जो फीचर्स है वो भी हमें सेम देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है वो हमें मोर ऑप्शन में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोर ऑप्शंस में जो कैमरा का ये लेआउट है वो पूरी तरह से डिफरेंट है। तो ये हमें पहले अपडेट्स में देखने को नहीं मिलता था। यहाँ पे हम लोग प्रीवियस व्यू में भी हम लोग जा सकते हैं, ये है प्रीवियस हमारा पुराना लेआउट एंड यहाँ से फिर से टैप करने पर हम लोगों को न्यू लेआउट देखने को मिल जाता है। डायरेक्टली आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ पे फीचर लेआउट का आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन। तो ये जो UI का चेंज है ये हमें न्यू देखने को मिल जाता है इस अपडेट के साथ। वैसे अगर बात कर ले वीडियोस के बारे में, तो वीडियो का जो रिकॉर्डिंग फीचर है वो तो एकदम प्रॉपरली यहाँ पे वर्किंग है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे काफी इजीली, तो यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इसे ऑफ कर देंगे। एंड यहाँ पे जो बेसिक इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है वो है रिकॉर्डिंग द वीडियो एडिटिंग। तो यहाँ पे जो वीडियो एडिटिंग एक्सपीरियंस है वो और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड, फास्ट एंड स्मूथ हो चुका है। यहाँ पे ऑप्शंस पे बेसिक कोई डिफरेंस तो हमें देखने को नहीं मिलता, कुछ इफेक्ट्स हमें न्यू देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। एंड ऑल्सो यहाँ पे जो फिल्टर्स है वो भी कुछ न्यू हमें देखने को मिल चुके हैं, प्रीवियस से काफी ज्यादा फिल्टर हमें अभी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जो मेन चेंज है वो है रिगार्डिंग द ऑप्टिमाइजेशन। अभी आप पहले से काफी अच्छी तरीके से वीडियो को यहाँ पे एडिट कर पाएंगे, काफी फास्ट एंड काफी स्मूथ वे में होगा आपका वीडियो एडिटिंग। और जो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे रीसेंट पैनल को भी ऐसे हॉरिजॉन्टली सेट कर सकते हैं, जो आप इंडियन ग्लोबल MIUI में नहीं कर सकते। ये फीचर भी जो है मेरे प्रीवियस MIUI 12 के न्यू फीचर्स के वीडियो में मैंने मेंशन किया था, तो यहाँ पे मैं इसे और डिटेल्स में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर आपको प्रीवियस फीचर्स के बारे में जानना है तो जरूर से आप मेरे प्रीवियस वीडियो को भी चेकआउट कर लीजिए, मेरे चैनल में आपको देखने को मिल जाएगा एंड जो लिंक है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ऑल्सो अभी तक ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल पाए। अब गाइस जो नेक्स्ट चेंज है वो है रिगार्डिंग द साउंड मेन्यू। तो साउंड मेन्यू में एक ऑप्शन तो काफी पहले से हम लोग यहाँ पे देखते हुए आ रहे हैं, साउंड असिस्टेंट। तो साउंड असिस्टेंट में ये दो ऑप्शन ही मौजूद है जैसे कि हमें पहले देखने को मिलता था, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है वो है रिगार्डिंग द
द मेन्यू इटसेल्फ, जो पैनल हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं किसी भी वीडियो को अगर हम लोग चला ले, फॉर एग्जांपल अगर मैं गैजेट शो अपने चैनल का ही कोई एक वीडियो यहाँ पे प्ले कर लेता हूँ, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक सेकेंडरी मेन्यू आ जाता है एंड यहाँ पे ये एप्लीकेशन के लिए डेडिकेटेड पैनल ऐड हो चुका है जो कि हमें पहले देखने को नहीं मिलता था। तो आप इसे भी टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से लो या फिर हाई कर सकते हैं एंड यहाँ पे उस एप्लीकेशन के मीडिया वॉल्यूम को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये अभी ऐसे दो पैनल्स देखने को मिल जाते हैं जो कि इस अपडेट के साथ हमें ब्रांड न्यू देखने को मिल जाता है। सो गाइस, जो लोग मेरे चैनल को कुछ दिनों से फॉलो करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने MIUI के लिए एकदम से एक न्यू बैटरी मेन्यू को शो किया था, उसका जो APK था वो भी मैंने प्रोवाइड कर दिया था एंड वो जो फीचर था वो हर एक MIUI में सपोर्टेड था। तो ये जो चेंज था वो हमें अभी इस रॉम में एज स्टैंडर्ड देखने को मिल जाता है। अगर आपने नहीं देखा तो डोंट वरी, तो यहाँ पे बेसिकली बैटरी में हमें एक न्यू UI देखने को मिल जाता है एंड जो प्लेसमेंट है जैसे कि बैटरी सेवर, अल्ट्रा बैटरी सेवर, ये तो आपको एकदम फर्स्ट में देखने को मिल जाते हैं एंड ओवरऑल जो आपके स्टैटिस्टिक्स रहते हैं वो भी राइट इन फ्रंट आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। इनफैक्ट आप यहाँ पे और भी डिटेल्ड वे में अपने बैटरी यूजेज को एनालाइज कर पाएंगे। यहाँ पे एक और मेन्यू आपको देखने को मिल जाता है जिसमें कि बैटरी टेम्परेचर एंड चार्ज टुडे का ये जो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स है वो प्रोवाइड होता है एंड ऑल्सो यहाँ पे ऑटोमेटेड टास्क एंड शेड्यूल पावर ऑन एंड ऑफ का फीचर देखने को मिल जाता है। तो फीचर्स में कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट तो यहाँ पे देखने को नहीं मिला, लेकिन ये जो UI में आपको देखने को मिलता है ये UI पूरी तरह से न्यू है। सो गाइस, ये जो चेंज है लकीली ये आप अपने इंडियन MIUI ग्लोबल में भी ला सकते हैं। तो उसके लिए आपको जस्ट छोटा सा काम करना पड़ेगा, मेरे चैनल में आना पड़ेगा एंड मेरे चैनल में आपको देखने को मिल जाएगा एक सेपरेट वीडियो जिसमें कि मैंने दिखाया है कि इस बैटरी मेन्यू को आप कैसे अवेल कर सकते हैं अपने नॉर्मल MIUI में। अब UIs की बात हो रही है तो यहाँ पे कुछ और मेन्यूज भी चेंज हो चुके हैं जैसे कि प्राइवेसी प्रोटेक्शन। तो प्राइवेसी प्रोटेक्शन में भी हमें ऐसे दो मेन्यू देखने को मिल जाते हैं, एक है अवेयरनेस एक है प्रोटेक्शन। तो आप सभी को पता होगा ये प्राइवेसी प्रोटेक्शन का ये जो मेन्यू है ये बेसिकली इंट्रोड्यूस हुआ था MIUI 12 के साथ। तो इस MIUI 12 के साथ ये जो मेन्यू तब हमें देखने को मिलता था वो काफी बेसिक था एंड ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली आप कह सकते हैं वही बेसिक मेन्यू अभी भी हमें इंडियन MIUI में देखने को मिलता है। लेकिन EU ROM की बात कर ले तो यहाँ पे हमें न्यू मेन्यू देखने को मिल जाता है जिसमें कि आप सेपरेटली ट्वीक कर सकते हैं और अपने हिसाब से प्राइवेसी को कंट्रोल कर सकते हैं। इनफैक्ट आप यहाँ पे अगर कैमरा एप्लीकेशन को ऑन कर लेते हैं एंड देन उसे मिनिमाइज कर लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल आप अगर रीसेंट में आते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कैमरा के व्यू फाइंडर को आप डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं, ये प्राइवेसी प्रोटेक्शन से ब्लॉक है। तो ये वन ऑफ द फीचर है, ऐसे ही टन्स ऑफ फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं इस मेन्यू में। इसके बाद अगर बात कर ले यहाँ पे एडिशनल फीचर्स के बारे में तो एडिशनल में आपको कुछ चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जेस्चर शॉर्टकट, तो जेस्चर शॉर्टकट एक मेन्यू आपको देखने को मिलता है जिसमें कि आप गूगल असिस्टेंट को लॉन्च कर सकते हैं, यहाँ पे आपको शो होगा कि कैसे आप कर सकते हैं, ऑल्सो आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, पार्शियल स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, लॉन्च कैमरा का ये जो जेस्चर है एंड टॉर्च कैसे आप ऑन करेंगे, तो इन सभी के जेस्चर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पे उन्हें टर्न ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं एक्सेसिबिलिटी मेन्यू के बारे में, तो इस मेन्यू में भी हमें एक ह्यूज UI में डिफरेंस देखने को मिला है। तो बेसिकली ये मेन्यू अभी डिवाइड हो चुका है 4 सेक्शंस में, जनरल, विजन, हियरिंग एंड यहां पे फिजिकल। तो इन चारों वे में हमें जो जितने भी मेन्यू हमें पहले देखने को मिल जाते थे वो हमें अभी देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे फिर से फीचर्स में ज्यादा कोई चेंजेस तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन जो UI है वो पूरी तरह से रीडिजाइन हो चुका है हमारे कन्वीनियंस को और भी ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए। तो ये और एक चेंज है जो इस अपडेट के साथ हमें एकदम से ही न्यू देखने को मिला है। एंड अगर अभी आप इंडियन ग्लोबल MIUI को यूज करते हैं तो मैं बस आप सभी को थोड़ा सा बात बताना चाहूंगा, आपको थोड़ा सा ग्लिम्पसेस शो करना चाहूंगा कि कितने फीचर्स ऐसे न्यू है जो आपको इंडियन ग्लोबल MIUI में देखने को नहीं मिलते। फॉर एग्जाम्पल ये जो पिल बार है, ये पिल बार अभी भी हमें इंडियन MIUI में देखने को नहीं मिलता K20 Pro के लिए। ऑल्सो अगर हम लोग बात कर ले डिस्प्ले मेन्यू के बारे में तो डार्क मोड का ये जो रीडिजाइन यहाँ पे UI है ये भी हमें देखने को नहीं मिलता इंडियन MIUI में। अब बात कर ले कुछ और फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रोल सेंटर के लिए एक सेपरेट मेन्यू है जिसमें कि हम लोग यहाँ पे कंट्रोल सेंटर स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, तो ये भी हमें देखने को नहीं मिलता। नोटिफिकेशन इफेक्ट्स को जरूर से हम लोग चेंज कर पाएंगे, ये हमें इंडियन MIUI में भी देखने को मिल जाता है, लेकिन नोटिफिकेशन शीट का ये जो मेन्यू है जिसमें कि आप एंड्रॉइड सेल एंड MIUI स्टाइल का नोटिफिकेशन को चेंज कर पाएंगे, ये मेन्यू भी आपको इंडियन MIUI में देखने को नहीं मिलता। एंड लास्टली अगर हम लोग बात कर ले तो इंडियन MIUI का जो सबसे बड़ा फ्लॉ मुझे लगता है वो है उनका पोको लॉन्चर, जो बाय डिफॉल्ट हमें देखने को मिलता है, लेकिन
लेकिन यहाँ पे हमें Xiaomi का सिस्टम लॉन्चर देखने को मिलता है जो एनी टाइम पोको लॉन्चर से काफी ज्यादा फीचर रिच है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो होम स्क्रीन को हम लोग क्लासिक या फिर विद एंड्रॉयड में चेंज कर सकते हैं जो कि पोको में भी पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे जो UI है वो पूरी तरह से न्यू है। एंड फाइनली यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले रीसेंट पैनल के बारे में तो रीसेंट पैनल को भी हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग वर्टिकली जैसे कि हमें इंडियन ग्लोबल MIUI में देखने को मिलता है तो वो हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ये तो आप सभी को पता ही होगा। लेकिन जो डिफरेंस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है वो है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे स्टाइल को चेंज करके हॉराइजॉन्टली कर सकते हैं जिससे कि जो रीसेंट पैनल है वो हॉराइजॉन्टली हो जाएगा। तो ऐसे ही काफी सारे फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं इस MIUI में जो कि एक्स्ट्रा है। तो पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि क्या मतलब है इन वीडियोस को बनाने का जबकि हमें देखने को नहीं मिलता, तो सॉरी गाइज अगर आप इंडियन MIUI में स्टिक होकर रहेंगे तो आपको ये सारे फीचर्स को अवेल करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। मैं बस ये वीडियो बनाता हूं ताकि आप सभी को पता चल पाए कि MIUI में एक्चुअली कौन कौन से फीचर हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको इन सभी फीचर्स को यूज करना है तो आई होप आप सभी को बूट लोडर अनलॉक करके थोड़ा सा एफोर्ट देके कोई भी एक MIUI बेस्ड कस्टम रॉम में आ जाना पड़ेगा। तो यही था आज के वीडियो के लिए, होपफुली आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज गाइस टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।